एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, धूल सूरत। इधर मोहनीय कर्म बड़ा भयानक है। यही मोह है कि मैं, मेरी मौत तो नहीं हुई, किसी और की हुई है। मैं तो नहीं गया, वो गया है। मैं तो अभी तक 50 साल तक जीऊंगा, मौज मजा कर लेने दो। ये जीव का मिथ्यात्व है। यही पंचम काल में हमें समझ नहीं आता। ये चौथे आर्य में वाणी मिलती तो पता नहीं हम कहां महावीर प्रभु के चरणों में होते। ये बार बार मिथ्या, बार बार हम अलग कर लेते हैं अपने आप को और रास्ता निकाल लेते हैं। वो गया, मैं तो नहीं गया। वो बीमार है, मैं तो बीमार नहीं। उसके पास धन नहीं, मेरे पास तो धन है। उसकी प्रशंसा नहीं, मेरी प्रशंसा तो हो रही है। उसकी निंदा होने दो ना, वो ऐसा ही था। मैं देखो, मेरे कालर करके ऐसा करते, देखो मैं देखो। ये सारा जीव का अज्ञान मिथ्यात्व है। जहां सम्मान है वहां अपमान निश्चित है। जहां धन आता है धन जाता है। जहां चमड़ी गोरी है एक दिन राख बनेगी। क्या चमड़ी काली और क्या गोरी, कितना खाया कितना खिलाया, ये बुद्धि से हम जानते हैं। पर हम इसका अनुभव करने के बाद हम झुठला देते हैं। बुद्धि कहती, मन कहता, छोड़ो ना, अभी तो मजा कर लो ना, अभी तो भोजन कर लो ना, अभी तो घूम लो ना। हम क्षणिक सुख के लिए, खनमित सुखा बहुकार दुख, क्षणिक सुख के लिए हम ये अध्यात्म की साधना गौण कर देते। तो 3-4 बातें मैं विशेष तौर से आपसे अनुरोध करूंगा, पूरा मौन का पालन हो। तो पहला, बार बार चिंतन करना, मैं आत्मा अकेला, अकेला नरक में गया, अकेला पशु बना, बने, मैं भी बना, तुम भी बने, नरक में भी गया, मनुष्य बना, अकेला जाओगे, अकेले आओगे, अकेले। इस भावना का चिंतन करना, जितना आत्मा का चिंतन होगा तुम्हारा मन ना भी लगे, तुम्हारा पल ही पल 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 कर्म नजरा शुरू हो गई। देखो मेरा, ये तो मेरा है, शरीर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, धन मेरा है, पत्नी मेरी है, सुख मेरा है। तो चिंतन करोगे तो क्या होगा, मोह कर्म बढ़ेगा और कर्मों का बंधन होगा। अब चिंतन में अंतर आ जाएगा तुम्हारा। पहला सूत्र है कि मेरा, मैं संयोगों से अलग, संयोग विप मुक्त अन्नगार सभी खुनो विनम पाऊ कर स्वामी अनुपुन सुने वे। भगवान की वाणी का पहला सूत्र, उत्तराध्यान सूत्र का, यह संयोग से विमुक्त हो जाओ। कौन सा संयोग? जैसे हमने घर बार छोड़ के आ गए, पर और घर बना लिया, तुम्हारा घर बना लिया, तुम्हारा परिवार बना लिया, किसी को बहन, किसी को माँ, किसी को भाभी, किसी को, क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं? हम भी पागलपन की बातें कर रहे हैं। जब छोड़ दिया तो क्या बनाना अपना, कोई है ही नहीं। ये सोचो, विचार करो, अंतर से चिंतन चलते रहे, बस मैं आत्मा, सदा काल से साथ है आत्मा, उसको तो छोड़ दिया और शरीर को पकड़ लिया,
और शरीर छूटेगा, ये हमारा अज्ञान और मोह है। चिंतन करना मैं आत्मा अकेला, बार बार चिंतन करना, दुख आए सुख आए हानि आए लाभ आए, अकेला था भाई, कर्म संयोग है, जब तक कर्म है कोई साथ दे देता है, कर्म नहीं है तो नहीं देता, कोई बात नहीं। इसमें आपके कर्मों की नजरा शुरू हो जाएगी, यही सूत्र है कर्म नजरा का। हम यहाँ कर्म नजरा करने आए हैं, पुण्य बांधने नहीं आए, पुण्य बहुत बार बांधा, साधु बन गए, धर्म की क्रियाएं की, तप किया, दान भी दिया, लाखों करोड़ों का दान दे दिया, पुण्य कमा लिया, धर्म नहीं कमाया। धर्म है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैं कुछ करने वाला ही नहीं, मेरा स्वभाव दृष्टा भाव है, जो कुछ हो रहा है प्रभु प्रभु की कृपा से हो रहा है, सबका सहयोग है, या मेरा कोई ऐसा कर्म है जिससे मुझे करने का अवसर मिल गया। तो श्री संघ का भी ये सहयोग है, या इनका पुण्य था कि इन्होंने चतुर्मास का लाभ लिया। चतुर्मास तो बहुत हो जाएंगे, पर ये ध्यान शिविर, ये कर्मों की नजरा का अवसर पूरे भारत में नहीं विश्व में घूम जाओ, ऐसा ध्यान शिविर बहुत लगेंगे, हर तरह के लगेंगे, मन को लगाने वाले लगेंगे, शांति मिल जाएगी, रोशनी भी आ जाएगी, चक्कर भी खुल जाएंगे, कुंडलनी भी जागृत हो जाएगी, पर शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान ये महावीर की साधना है। 12.5 वर्ष तक भगवान महावीर ने यही साधना की, कानों में किले ठोके गए, चाबक पड़े भगवान को, दीक्षा लेते ही चाबक पड़े, हंटर से मारा भगवान को, जैसे बैलों को मारते हैं, उस बैल जो छोड़ के गया था बैल, कि मेरी बैल कहाँ है, महावीर नहीं बोले, खड़े थे ऐसे और बैल आ गए, ये बहुरूपिया जानबूझ के बैलों को छुपा दिया, अंधेरा हो गया, बैल आ गए, चाबुक मारे, महावीर फिर भी नहीं बोले, क्योंकि वे शरीर और आत्मा की भिन्नता का प्रयोग कर रहे थे, कि मेरे शरीर को लगा है, मुझको नहीं लगा। ये बहुत गहरी साधना है। जब भी तुम्हारा अपमान हो, जब भी तुम्हारा कुछ भी हो, शरीर अलग है आत्मा, तो आत्मा का पोषण करना, एकत्व में जीने का प्रयास करना, विचार आएंगे चले जाएंगे, सोहम का सहारा ले लेना, आत्मा गुणों का सहारा ले लेना, और इसके बाद हमेशा बस आत्मरमन आत्मचिंतन का निरीक्षण करना। खुला समय मिलेगा आपको, भोजन कर लोगे, और भोजन करते समय भी विवेक से भोजन करना, जूठा नहीं छोड़ना, अकेले भोजन करना, और भोजन लेते समय भी विवेक कि शरीर भोजन ले रहा है, मैं नहीं ले रहा, छूटोगे चुकोगे, हर श्वास के साथ एक ग्रास लिया, अंदर गया, मुंह में गया, और भोजन पूरा हो गया, चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, ये प्रतिपल प्रतीक्षण ये एक्सपेरिमेंट होगा, शरीर चल रहा है मैं नहीं, शरीर चल रहा है मैं नहीं चल रहा, अभ्यास होगा, ये 4 दिन के अभ्यास में आपकी साधना बहुत गहरी हो जाएगी, और प्रतिपल प्रतीक्षण विवेक जागरूकता की आवश्यकता है, कोई जगाने नहीं आएगा, यहाँ से आपको देखना तो मिलेगी, पर विवेक आपका है, एक तो सोना नहीं, यहाँ चेयर मिली है आपको, यहाँ कोई मनोरंजन करने नहीं आए, यहाँ कोई सिनेमा हॉल नहीं है, चेयर मिल गई आराम से सो गए, सोना नहीं है, भोजन उतना करना जितना भोजन की जरूरत है, ज़्यादा खा लोगे फिर सोओगे, फिर दोपहर की साधना नहीं होगी, ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर है, श्री संघ ने पूरी व्यवस्था की है, जो चाहिए आपको मिलेगा, पर आपको कितना ज़रूरत है ताकि मेरी साधना हो सके, मैं बैठ के साधना कर सकूं। यदि आप निद्रा आने लगे उठ जाओ, खड़े होकर ध्यान करो, विवेक से करना, हर क्षण विवेक, यहाँ कोई समय 48 मिनट की नहीं है, यहाँ प्रतिपल प्रतीक्षण, हर श्वास में आत्मरमन, हर श्वास में आत्मचिंतन कि मैं आत्मा अकेला निर्विकार निरा आत्मा निराकार है, निराकार ही नहीं आत्मा का, आत्मा का मन बुद्धि कुछ भी नहीं, फिर भी आत्मा सर्वगुण संपन्न है, सुख से परिपूर्ण है, सुख आत्मा में बार है ही नहीं, पर इसका शोध आप करोगे, स्वयं करोगे, क्या जो प्रभु ने फरमाया, भगवान की वाणी, भगवान महावीर ने कहा, क्या वो सुख मेरे भीतर है, उसका एहसास करो, उसको अच्छी तरह समझ लो, और जिसने कुछ पूछना है, नए साधक हैं, एनी वन क्वेश्चन यू कैन आस्क, साधना के संबंध में पूछिए कि साधना करते समय मेरा मन क्यों नहीं लगता, क्या है, पूछ सकते, और साधना करते चले जाइए, मौन का पालन करते चले जाइए, दूसरे को सहयोग दीजिए। प्यारी गुरुवाणी है।
राज भगवान ने इतना प्रयास किया है, इतने सालों की तपस्या थे और तब उन्हें वो सारी वाणी मिली है, वो साधना मिली है और उन्होंने इतनी आसानी से हमें यो साधना दे दी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ये साधना है इसे हम ग्रहण करें। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि इस शिविरों को बार बार अटेंड करें और अपने आप को, मैं स्वयं आत्मा हूँ, इसकी अनुभूति में उतरे और इसको जिए। ये शिविर करने से ही हम सब, यही शॉर्टकट है, यही मोक्ष मार्ग है कि इसी से ही हम जा सकते हैं। बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। मैं आत्मा, तुम आत्मा, एक आत्मा, सत्य आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। आते जाते श्वास जानो और देखो, मैं आत्मा मात्र दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। मैं आत्मा, हर देह में हर योनि में घूम के आए पर आत्म तत्व वही था। मैं आत्मा अनंत सुख वाला, अनंत शक्ति ज्ञान से संपन्न परिपूर्ण आत्मा मैं हूँ। मैं आत्मा, आत्मा की खोज करते चले जाइए। जितनी गहरी खोज करोगे उतना भीतर आपको सुख का एहसास होगा। समृद्धि भीतर है, बाहर नहीं है, इसका एहसास कीजिए। और भीतर
मैं आत्मा, सब में वही आत्मा, शुद्ध आत्मा, इसका एहसास करें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतान, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अवजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठमायन स संयमो तबो देवावित्तंग, नमं संति जस्थम्य श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारि शरण दुख हरण जगत में, और न शरण को करे आराधन उसका अजर अमर पद। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरज।